नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे प्लैनेट जो कि छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। इनका अपनी कोई राशि नहीं है। ये जिस राशि में और जिस हाउस में बैठते हैं उस राशि के एट्रीब्यूट और उस हाउस के एट्रीब्यूट के ये रिजल्ट देते हैं। राहु ध्यान है, अटेंशन है, अटैचमेंट है। केतु धारणा है, दिल डिटैचमेंट है और इंटेंशन है। आपकी कुंडली में अगर राहु जिस हाउस में बैठेगा, मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में बैठा है राहु, तो आपका ध्यान सेकंड हाउस की चीज़ों पर रहेगा, आपकी फैमिली, आपके पैसे, आपके खान पान पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। अगर आपके सिक्स हाउस में है तो आप अपने सर्विसें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देंगे। क्यों? क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा है। अगर अब हम बात करते हैं केतु, अगर केतु सेकंड हाउस में है तो आप घर के प्रति कोई भी निर्णय लोगे, अपने फैमिली के प्रति कोई भी निर्णय लोगे तो आप दिल से लोगे। क्यों? वहाँ पे केतु है। पर वो अगर आप वहाँ पे कोई भी कार्य दिल से नहीं करोगे, आप वहाँ पे ध्यान यूज करोगे, तो वही केतु आपको डिटैचमेंट, आपको फैमिली से दूर करेगा। क्यों? क्योंकि वो धारणा है। ध्यान और धारणा में बहुत फर्क है। कोई भी कार्य जो किया जाता है वो ध्यान से जो किया जाता है वो दिमाग यूज किया जाता है, और धारणा दिल से, तो दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए वो डिटैचमेंट देता है। अब जैसे आपके दसवें हाउस में केतु है तो आप कोई भी कार्य, अपना जो बिजनेस करोगे वो दिल से करोगे, पर बिजनेस में दिल का यूज नहीं किया जाता, वहाँ पे दिमाग का यूज किया जाता है, तो वो आपको वहाँ से, बिजनेस से आपको परे करेगा, डिटैच करेगा। इसलिए आपको ऐसा देखना है। आज के समय में लोग ज़्यादातर राहु और केतु के नाम से डराते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो राहु और जो केतु आपके जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस के एट्रीब्यूट, अब जैसे राहु सिक्स हाउस में है और उसमें शनि का 180 का हिट आया, तो आपका फोकस, राहु का ध्यान डिस्टर्ब कर देगा, आपका ध्यान नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं कर पाएंगे। ये हो गए राहु के एट्रीब्यूट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शनि का जो हिट आ रहा है राहु पर 120 का हिट करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो केतु होते हैं और जो हमारा लीडर होता है वो राहु होता है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, तो राहु दिखता है। इसलिए अगर 100 लोग के बीच में खड़े हैं तो आपका क्या दिखेगा, हेड दिखेगा, सिर, तो वो राहु है। और जो नीचे रहेंगे वो धड़ होगा, वो केतु होंगे। तो इस तरह से राहु और केतु की पहचान की जाती है। अब जैसे अगर राहु आपके 10th हाउस में है तो आपका ध्यान, आपका अटेंशन जो रहे, आपका ध्यान आपके बिजनेस और लीडरशिप पर रहेगा। अब जैसे केतु आपके 7th हाउस में है तो आप अपने पार्टनर और अपने कस्टमर दोनों से दिल के साथ जुड़े रहेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा पार्टनर या हमारा कस्टमर क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप दिल से यूज कर रहे हो, वहाँ पे दिमाग नहीं यूज कर रहे हो।